हेलो दोस्तों, आज है 14 जून। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आपको चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO GAPH टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, आईआईटी कानपुर। देखिए, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। वे 194 सदस्य राज्यों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप नीतियों पर WHO सलाहकार समूह का हिस्सा होंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, समग्र शिक्षा योजना। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में समग्र शिक्षा योजना के तहत देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह समग्र शिक्षा योजना शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो कि प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, मिजोरम। देखिए, भारत के मिजोरम राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे पेशे से बड़े हैं, उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। उनका जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। वे पावल नाम के समुदाय के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, विश्व रक्तदान दिवस। देखिए, 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, 5 वर्षों के लिए। देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में IDEX DIO के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस बजटीय सहायता से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, बारबोरा क्रेशिकोवा। देखिए, चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेशिकोवा ने हाल ही में अनास्तासिया पावलू चेनकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है। वे अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल रही थी। वे इससे पहले क्रेशिकोवा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 5 बार डबल्स का खिताब जीत चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, चाइना। देखिए, G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने और विकासशील देशों की मदद के उद्देश्य से बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड B3W लॉन्च किया है। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और G7 साझेदार नई वैश्विक बुनियादी ढांचा B3W के लिए सहमत हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, कोस्टारिका। देखिए, कोस्टारिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन स्पेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और
विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इस संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा में है। वे इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी क्षेत्र की पहली व्यक्ति होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।